हुजरे में बड़ा चहल पहल रहता है। ये सब करम है सूफी फरहा कह मेरे फिर मुर्शिद का, सुभान अल्लाह। ये करम है मेरे मुर्शिद का, सूफी हमीद फरहा कह मेरे का, सूफी फारूक फिर किबला रोशन जमीर का, ऐसा करम हुआ सया सूफी पे जमीन आसमान का, पर्दा ये खुल गया, पर्दा ये खुल गया। इश्क मोहब्बत, अरे इश्क मोहब्बत से निगाहों से जाम पिला दिया, इश्क मोहब्बत से मुस्कुरा के निगाहों से जाम पिला दिया, और इश्क मोहब्बत का मारुफत का जाम पिला दिया, इश्क मोहब्बत का, इश्क मोहब्बत का अरे मारुफत का जाम पिला दिया। ऐसा करम हुआ सूफी फरहा हमारे का, ऐसा करम हुआ सूफी हमीद गहमरे का, ऐसा नूर नजर करम हो गया, दिल की ये दुनिया बदल गया, दिल की ये दुनिया बदल गया, दीन की दिल का दुनिया बदल गया, दिल में बड़ा खुशी रौनक ये हो गया। सूफी फारूक का हमारे फिर किबला रोशन जमीर का, ऐसा नजरे करम हो गया, इश्के मोहब्बत से, इश्के मोहब्बत का मुस्कुरा कर निगाहों से मारफत का जाम पिला दिया, मारफत का जाम पिला दिया, मारफत का जाम पिला दिया, पर्दा खुलता रहा, हर पर्दा खुलता रहा, पर्दा खुलता रहा, पर्दे पर्दे का राज दुनिया, पर्दे के पर्दे के राज दुनिया, मुखदार मालिक रब्बुल आलमीन दिखाता रहा, दिखाता रहा। ये सब करम है मेरे मुर्शिद का, ये सब करम है मेरे मुर्शिद का, पर्दा पर्दा खोल खोल कर दिखा रहा है, हाकिमुल हाकिम परवरदिगार रबुल आलमीन। प्यारे नूर नबी के ये सदके में, मुश्किल कुशा अली के सदके में, इमाम हसन या हुसैन के सदके तुफैल में, प्यारे प्यारे नबी के बेटी फातिमा के आंसू सबर, और पाक दामन के सदके में, पाक पंजतन शहीद करबला वालों के सदके में, अल्लाह अपना फजल और करम, अल्लाह तबारक तआला रब्बुल आलमीन अपना फजल और करम रहमत किया, रहमतुल लिल आलमीन नूर नबी के सदके तुफैल में और मुश्किल कुशा अली के सदके तुफैल में, प्यारे नबी के नाती नवासे जिगर के टुकड़े, प्यारे नबी के आंखों की ठंडक इमाम हुसैन का सदका अता कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान। शहीद करबला में जो शहीद हुए उन्हें वो जिंदा है, बेशक उन्हें मुर्दा ना कहो, हक वो जिंदा है, हक। तो शहीद करबला वालों का भी नजरे करम सैयद सूफी हफीज पर है, बेशक हक है। إن الله ربنا سمير العلوم المؤمنين المؤمنين آمنوا بالله ربنا على كل خير من المؤمنين آمنوا بالله ربنا له ملك الله الولي العزيز الحكيم أهل الكتاب إن كنتم من المؤمنين
अल्लाह कलाम, अल्लाह कलाम है। और कलाम जो है ये अल्लाह कलाम है। अल्लाह कलाम पढ़ने के लिए है, समझने के लिए, अमल करने के लिए है। अल्लाह के कलाम फरोख्त करने के लिए नहीं। ये फरोख्त करने वाले, ये दुआ ताबीज वाले अपने नफ्स का हिसाब के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले, दुनिया के लूटने वाले, कुरान की इलम सीख कर कुरान की इलम बेचने वाले अपने ईमान बेच रहे हैं। कुरान की इलम बेचने वाले अपने ईमान को बेच रहे हैं। दुआ ताबीज वाले, ये दुआ ताबीज वाले जो है, ये दुआ ताबीज वाले हैं। देखा जा रहा है खानकाह शरीफों में और उनके खलीफों में और घरों में दुआ ताबीजों का दुकान खोलकर और अपना दुनियादारी कर रहे हैं, दुनिया को लूट रहे हैं। जो इलम बेच रहा है वो ईमान बेच रहा है, जो इलम बेच रहा है वो ईमान बेच रहा है। दुनिया की ख्वाहिशात के लिए, दुनिया की जरूरियात के लिए, दुनिया की दौलत को जमा करने के लिए, दुनिया की अपना जमीन खरीदने के लिए, मकान खरीदने के लिए अपना दुकान खोल कर ये बैठे हुए हैं। और जो हक्कानी आलिम होगा, हक्कानी पीर होगा, उनका हक्कानी खलीफा होगा, इन कामों से वो दूर रहेंगे, इन कामों से दूर रहेंगे, इसके करीब भी नहीं आएंगे। तो कुछ हक्कानी आलिम, कुछ हक्कानी पीर, कुछ हक्कानी खलीफा हैं जो सर जमीन पर, और अक्सरियत देखा जा रहा है कि ये दुआ ताबीज वाले बढ़ते जा रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं। अल्लाह के कलाम पढ़ने के लिए, समझने के लिए, अमल करने के लिए है। अल्लाह का कलाम फरोख्त करने के लिए नहीं है। जो अल्लाह का कलाम फरोख्त कर, ईमान फरोख्त कर रहा है। ये दौर में बहुत आसानी रास्ता इख्तियार कर लिया। दरगाह शरीफ में देखा जा रहा है, खानकाहों में देखा जा रहा है, खलीफों में देखा जा रहा है कि अपना अपना दुकानदारी खोलकर बैठे हुए हैं। ये दुकानदार दुकानदारी अपना चला रहे, खुदा के कलाम बेच रहे तो इलम बेच रहे हैं, खुदा के कलाम बेच रहे तो इलम बेच रहे हैं। आई इलम बेचने वाले, तुम्हारे सूरत पर फरिश्ते रहमत की नालत देंगे, अल्लाह की रहमत की बारिश नहीं बरसेगा। तुम नमाज अदा कर, तुम्हारे चेहरे पर रौनक नहीं होगा। कुरान तिलावत करो, कुरान तुम्हारा साथ नहीं देगा, नमाज साथ नहीं देगा। क्यों? ये अल्लाह के कलाम पढ़ने के लिए, समझने के, अमल करने के लिए है, फरोख्त करने के लिए नहीं है। खुले बाजारों में तुम अल्लाह के कलाम फरोख्त कर रहे हो और इंसान को लूट रहे हो। दुआ ताबीज वाले, तुम्हारा वक्त बड़ा करीब आ रहा है। तुम अल्लाह के अजाब इंतजार करो, तुम्हारे ऊपर अल्लाह अजाब मुसल्लत कर देगा। ऐसा अजाब मुसल्लत करेगा कि तरह तरह की बीमारियों में, परेशानियों में तुमको मुब्तला कर देगा, तरह तरह के मुसीबत परेशानियों में, कहसाली दुर्गतियों में तुमको मुब्तला कर देगा। तुम्हारा कल भी सुकून अल्लाह छीन लेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। वमा अलैना इल्लल बलाग। खुदा हाफिज़।